पॉपुलर टीवी शो अनुपमा अपनी दमदार कहानी और लगातार ट्विस्ट एंड टर्न्स के कारण टीआरपी की लिस्ट में टॉप पर काबिज रहा है। वहीं शो में अब एक तरफ जहां तोशु अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ माया अनुपमा की गैर मौजूदगी का फायदा उठाने की कोशिश में लगी है। वहीं किंजल ने भी तोशु को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। रिसेंटली शो की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया जब डॉक्टर्स ये बताते हैं कि पारितोष उर्फ तोशु पैरालिसिस से पीड़ित हो चुका है और वो अब ठीक हो पाएगा या नहीं रिपोर्ट्स के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ माया अब अनुज के करीब आने की कोशिश में लगी है। वो छोटी अनु को स्कूल छोड़ने के लिए अनुज के साथ जाती है और ये देख अनुपमा परेशान हो जाती है। वहीं अनुपमा अपने बेटे की हालत देख काफी परेशान है और अपनी बहू किंजल को भी समझाती है। किंजल जहां पहले तोशु से अलग होने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब उसकी ऐसी हालत देख अब किंजल अपना फैसला बदलने को सोच रही है। वहीं अस्पताल में किंजल की मां राखी दवे भी आती है और अपनी बेटी को अपने घर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन किंजल मां के साथ जाने से इनकार कर देती है। वहीं अनुपमा जहां अपने एक्स हस्बैंड वनराज शाह को मुश्किल समय में सहारा दे रही है, लेकिन वहीं माया अनुज कपाड़िया को पाने के लिए साजिश करने में लगी हुई है। अनुपमा की जेठानी बरखा को ये भनक लग चुकी है कि माया उसकी देवरानी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाने में लगी है। माया जहां खुद को कपाड़िया फैमिली के साथ जोड़ने की कोशिश करती है, तो बरखा उसे साफ साफ कह देती है वो कपाड़िया परिवार का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ यहाँ 15 दिनों के लिए आई है और फिर उसके बाद छोटी अनु के साथ या उसके बिना ही यहाँ से चली जाएगी। बरखा की ये बात सुन माया काफी बौखला जाती है और फिर वो बरखा को अपने काम से मतलब रखने को कहती है, लेकिन बरखा भी कहाँ चुप रहने वाली, वो भी माया को मुंह तोड़ जवाब देती है। खैर आगे कहानी में आप देखेंगे कि माया जहाँ अनुपमा की जगह लेने के लिए हर तरह की चाल चलती है, साजिश रचती है। वहीं जब छोटी अनु फैमिली पेंटिंग में माया को भी ऐड करती है, तब अनुज माया को हाइड कर देता है और फिर अनुज के जाने के बाद माया अनुपमा को हाइड कर देती है। यानी अब कहानी आगे और भी दिलचस्प होने वाली है। सो वेट एंड वॉच फॉर अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स इन सीरियल अनुपमा। For latest TV news and gossips, subscribe to our channel Tele Network.